हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ रघुवंश इंग्लिश लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट क्लासेस। आई एम हरिंदर सिंह। आज के वीडियो में हम लोग डेली कन्वर्सेशन में यूज आने वाले कुछ ऐसे फ्रेजेस और जिनको कि कनेक्टिव्स के भी रूप में हम प्रयोग करते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में, ऐसे कुछ सेंटेंसेस और फ्रेजेस को आज हम इंग्लिश सेंटेंसेस फ्रेम करके उनके यूज के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेज में के बावजूद भी, हिंदी में अगर हम के बावजूद भी का सेंटेंस बोलें तो उसमें हम इंग्लिश में किस प्रकार से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि वो काम करने के बावजूद भी पास नहीं हो सका, धनवान होने के बावजूद भी वो कार नहीं रखता है, इस तरह से कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि हम के बावजूद भी कहने का मतलब कि एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, उसका परिणाम जो होगा वो निगेटिव के रूप में हमें दिखाई देता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो इन स्पाइट ऑफ अथवा डिस्पाइट के साथ हम उनको सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। इन स्पाइट ऑफ के बाद वर्ब में आईएनजी लगता है, अर्थात क्रिया जो होगी उसमें क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा, जबकि डिस्पाइट के साथ ऑफ और क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। जैसे डिस्पाइट के बाद यहाँ नाउन आ जाएगा, जबकि वो सेंटेंस वही है लेकिन हम इसमें नाउन का प्रयोग करते हैं और इसमें वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे इस सेंटेंसेस में क्लियर हो जाएगा कि कठिन मेहनत करने के बावजूद भी वो फेल हो गया। एक सब्जेक्ट है वह, लेकिन हम कह रहे हैं कठिन मेहनत करने के बावजूद भी, तो सबसे पहले हम इन स्पाइट ऑफ लगाएंगे, इन स्पाइट ऑफ। इसके बाद हम कह रहे हैं वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वर्ब क्या है? करना, वर्क, मेहनत करना। ऑफ वर्क में इसमें आईएनजी लगाएंगे, वर्किंग हार्ड, कठिन। अब सेंटेंस से आगे वो फेल हो गया, ही फेल्ड, वो एग्जामिनेशन में फेल हो गया, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, आगे अगर एग्जामिनेशन है तो हम एग्जामिनेशन लगा देंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, धनवान होने के बावजूद भी उसके पास कार नहीं। धनवान होने के बावजूद भी, फिर सेंटेंस वही इन स्पाइट ऑफ से शुरू करेंगे, इन स्पाइट ऑफ। अब देखिए होना, होने के जिसमें क्रिया जो है होना है, होना अर्थात बी, बी में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा बी, इन स्पाइट ऑफ बी रिच, धनवान। ही हैज नो कार, उसके पास कार नहीं है, ही हैज नो कार। In spite of being rich, he has no car. के बावजूद भी, तीसरा सेंटेंस, कार रखने के बावजूद भी वे इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो in spite of, in spite of, रखना की इंग्लिश होती है have, और have में ing हम लगाएंगे तो having हो जाएगा। In spite of having a car, In spite of having a car, they उसका उपयोग वे नहीं करते हैं, they don't use it, they, वे लोग, don't माने नहीं, क्योंकि present tense में है इसलिए do not का प्रयोग होगा, they don't use it। तो ये हमने in spite of का प्रयोग किया है। एक sentence देखिए थोड़ा सा different है, इसमें है कमजोर स्वास्थ्य के बावजूद भी, इसमें क्रिया नहीं है, इसमें नाउन है, कमजोर स्वास्थ्य लिखा हुआ है, इसका मतलब के बावजूद भी की इंग्लिश हो जाएगी डिस्पाइट, इसमें ऑफ नहीं आता, डिस्पाइट ऑफ कमजोर स्वास्थ्य, वीक हेल्थ और इल हेल्थ, वीक हेल्थ, डिस्पाइट ऑफ हिज वीक हेल्थ, हम इस तरह से अपने स्वास्थ्य के, कमजोर स्वास्थ्य के बावजूद भी कहेंगे, डिस्पाइट ऑफ हिज वीक हेल्थ उसने खेल प्रतियोगिता में भाग लिया, He participated in games competition, in games, खेल की खेल कूद प्रतियोगिता, games competition या sports competition, games competition में उसने participate किया। तो despite off नहीं आएगा, sorry यहां पे despite के साथ off नहीं आएगा, despite His weak health, यहां पर in spite of के साथ तो आप आता है और उसमें वर्ब में आईएनजी आता है, लेकिन despite के साथ आपका प्रयोग नहीं होगा। Despite his weak health, he
पार्टिसिपेटेड इन गेम्स कंपटीशन, यहां डिस्पाइट हिज वीक हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के बावजूद भी, होने के बावजूद नहीं होगा। अगर ये होना भी लिखा होता तो हम इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करते, इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग करते, न कि डिस्पाइट का प्रयोग, क्योंकि डिस्पाइट के बाद तुरंत नाउन आता है, हिज वीक हेल्थ ये नाउन है। दूसरा है के बजाय, अर्थात किसी काम को करने की बजाय दूसरा काम करना, एक काम जिसको कि एक्सपेक्ट किया गया है उस काम को न करने के बजाय ही प्रेफर टू डू समथिंग अदर। तो जैसे हमने कहा इसमें भी इंस्टेड ऑफ के बाद, क्योंकि ऑफ लग जाता है, ऑन लग जाता है, इन लग जाता है, फार लग जाता है, तो उसके साथ अगर वर्ब आते हैं तो सब में आई एन जी का प्रयोग होता है। इसमें भी ऑफ का प्रयोग हुआ, इसका मतलब वर्ब में आई एन जी का प्रयोग होगा। जैसे इसमें वो घर जाने की बजाय वो मंदिर चला गया, तो इंस्टेड ऑफ, और फिर एक बार जहां की इंग्लिश होती है गो, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू होम, गोइंग होम कहेंगे, गोइंग टू होम का प्रयोग नहीं किया था, ही वेंट टू टेम्पल, ही वेंट टू टेम्पल, इंस्टेड ऑफ गोइंग ही वेंट टू टेम्पल। दूसरा सेंटेंस देखिए, पढ़ने के बजाय वो खेलने चला गया, इंस्टेड ऑफ के बजाय, इंस्टेड ऑफ पढ़ना के बजाय, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड और आई एन जी लगाएंगे, इंस्टेड ऑफ रीडिंग ही वेंट टू प्ले, वो खेलने चला गया, ही वेंट टू प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपना काम पूरा करने के बजाय वो टीवी देखने लगा, इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग हिज वर्क, कंप्लीट में आई एन जी जोड़ेंगे, कंप्लीटिंग हिज वर्क ही बिगैन, देखने लगा, ही बिगैन टू वॉच टेलीविजन, ही बिगैन टू वॉच टेलीविजन, वो टेलीविजन देखने लगा। लगा वाले सेंटेंसेस में हम बिगैन का प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बिगिन का बिगैन बन जाता है, वो काम करने लगा, ही बिगैन टू डू, ही बिगैन टू वॉच, He began to write, etc. लगाते हो कहेंगे। तीसरा सेंटेंस, तीसरा फ्रेज है के अलावा भी, अर्थात एक काम करने के अलावा एडिशनल कोई क्वालिटी होती है, अगर कोई दूसरा एडिशनल वर्क होता है, इन एडिशन टू कोई वर्क होता है, तो उसके लिए हम बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं और फिर वो चीज है वर्ब में आई एन जी का प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे धनवान होने के अलावा विद्वान भी है, तो दो चीजें, दो क्वालिटीज है, सो मेनी अदर क्वालिटीज टू अ पर्सन, इसे सेंटेंसेस में हम बिसाइड्स के बाद आईएनजी का प्रयोग करेंगे। बिसाइड्स सेंटेंस में, बिसाइड्स से ही सेंटेंस शुरू करेंगे, बिसाइड्स, अब देखिए इसमें फिर बी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब क्या है इसमें, धनवान होना, हो इंग्लिश है बी, बी में आईएनजी लगाएंगे, बीइंग, इंस्टेड ऑफ, बिसाइड्स ऑफ बीइंग, बिसाइड्स बीइंग रिच, ऑफ नहीं आता है, बिसाइड्स बीइंग रिच, धनवान होने के अलावा विद्वान भी है, ही इज ए स्कॉलर आल्सो, विद्वान, लर्नेड मैन, ही इज ए स्कॉलर आल्सो, या टू, ही इज ए स्कॉलर टू। यह मकान सुंदर होने के अलावा सस्ता भी है, जैसे हम कहें यह मकान सुंदर तो है और साथ ही साथ सस्ता भी है, इन बिसाइड्स being beautiful, सुंदर है, besides being beautiful, this house is cheap also, ये cheap भी है, सस्ता भी है। पैसे देने के अलावा मैंने उपयोगी सामग्रियां भी अपने मित्र को दी, मतलब दो प्रकार से मैंने उसकी मदद की, एक तो पैसे भी दिया और साथ ही साथ उसको कुछ सामान भी दिया। तो पैसे देने के अलावा यहां तक हो गया, मैंने अपने मित्र को उपयोगी सामग्रियां भी दी, I helped my friend with some
प्रोविजंस, कुछ सामग्रियों से उसकी मदद की, विद सम प्रोविजंस, कुछ सामग्रियां भी उसे दी या दी है, तो आई गेव माई फ्रेंड सम प्रोविजंस, यहां मैंने मित्र की मदद भी कर दी, तो हेल्प्ड माय फ्रेंड विद सम प्रोविजंस, मैंने अपने मित्र की मदद की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अगला फ्रेज है चाहे जो हो जाए, किसी को करने के जब हम डिटरमिन्ड हो जाते हैं, कमिटेड हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं कि दैट आई हैव टू कंप्लीट दिस एनी हाउ, किसी भी तरह से काम करना है, तो उसके लिए व्हाट मे कम का प्रयोग किया जाता है, व्हाट एवर भी का प्रयोग कर सकते हैं या व्हाट मे कम, व्हाट एवर मे कम या व्हाट मे कम, चाहे जो हो जाए, जैसे चाहे जो हो जाए आज मैं ये काम समाप्त करूंगा, व्हाट एवर मे कम या व्हाट मे कम, व्हाट मे कम आई विल कंप्लीट, आई विल कंप्लीट माई वर्क टूडे, माई वर्क टूडे, आज मैं अपना काम करा समाप्त करूंगा। दूसरा, मैं उसकी पार्टी अटेंड करूंगा चाहे हो जाए, चाहे जो हो जाए, इसका मतलब कि आई विल अटेंड हिज पार्टी वॉट एवर मे कम, वॉट एवर या वॉट मे, वॉट एवर मे कम, चाहे जो हो जाए। अगला फ्रेज, अगला सेंटेंस है चाहे जो हो जाए मालिक उसे नौकरी से निकालेगा ही, वॉट एवर मे कम, वॉट एवर मे कम द लैंड लॉर्ड, मालिक, द लैंड लॉर्ड या ओनर, द लैंड लॉर्ड will fire him, नौकरी से निकालना, या dismiss him भी कर सकते हैं, dismiss him, उसको नौकरी से बर्खास्त कर देगा, dismiss या fire का भी प्रयोग करते हैं। पांचवा फ्रेज है कहीं ऐसा न हो कि, जैसे हम कहें कि ये काम कर लो, कहीं ऐसा न हो कि ऐसा हो जाए, जैसे ये ऐसे सेंटेंस बनते हैं, कठिन मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाए, हो जाओ, इसको इंग्लिश में कहेंगे वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, लेस्ट का प्रयोग करते हैं, लेस्ट माने ऐसा न हो जाए, क्योंकि ऐसा न हो जाए इसमें नेगेटिव भी है, इसलिए यहां पे नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इटसेल्फ इट हैज नेगेटिव सेंस, तो लेस्ट सेकेंड पर्सन के लिए कहा जा रहा है, इसका लेस यू, कहीं तुम ना, शुड, इसके साथ शुड का प्रयोग होगा, लेस यू शुड फेल, कहीं तुम फेल ना हो जाओ, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ, संभल कर चलो अर्थात वॉक केयरफुल्ली, वॉक केयरफुल्ली, लेस्ट यू शुड, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ, लेस यू शुड फॉल डाउन, फॉल डाउन। छाता ले लो कहीं ऐसा ना हो कि भीग जाओ, टेक एन अम्ब्रेला, छाता ले लो, टेक एन अम्ब्रेला लेस्ट यू शुड भीग जाना, की इंग्लिश होती है गेट वेट, You should get wet. कहीं ऐसा न हो कि get drenched भी होता है, get wet. इस तरह से ऐसा न हो कि कहीं, तो lest वाले sentences में क्यों negative होता है, हम not का प्रयोग नहीं करते, इसके साथ should का प्रयोग करना grammatically बहुत necessary है, जरूरी है, compulsory होता है एक तरह से, otherwise sentence will be treated wrong sentence. अगला phrase है what if, क्या होगा या क्या हुआ यदि, ऐसे सेंटेंसेस से बनने वाले इंग्लिश को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, व्हाट इफ ये फ्रेज होता है, व्हाट इफ, क्या हुआ यदि, अर्थात क्या होगा यदि, जैसे हम कहें क्या होगा यदि उसने आमंत्रित नहीं किया, व्हाट इफ ही डिड नॉट इनवाइट मी, अगर उसने मुझे आमंत्रित नहीं किया, डिड नॉट इनवाइट मी,
क्या फर्क पड़ता है, इट डजंट मैटर इफ इट इज नॉट इनवाइट मी, इसलिए क्या होगा या अर्थात क्या होगा, क्या हुआ, ऐसे सेंटेंसेस को हम व्हाट इफ से शुरू करते हैं। दूसरा सेंटेंस है क्या हुआ यदि उसने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, इट डजंट इट मैटर्स नथिंग, व्हाट इफ ही डिडंट पार्टिसिपेटेड, ही डिडंट पार्टिसिपेट, ही डिडंट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, इन द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन। दूसरा फ्रेज है कुछ समझ में आना, टू गेट नाइदर हेड नॉट टेल, मतलब न तो सिर न पूछ पकड़ में आना, टू गेट नाइदर हेड नॉट टेल, मतलब हेड नॉट टेल, न तो हेड और न तो पूछ पकड़ में आना। टू बी अल्फा एंड ओमेगा भी कहते हैं, टू बी अल्फा एंड ओमेगा, कहने का मतलब कि अल्फा इज द फर्स्ट लेटर ऑफ ग्रीक लेटर, ग्रीक अल्फाबेट, एंड ओमेगा इज द लास्ट अल्फाबेट, लास्ट लेटर ऑफ इट्स अल्फाबेट, अल्फाबेट। सो इसलिए कहते हैं अल्फा एंड ओमेगा, अर्थात कुछ भी समझ में हो ना आना, जैसे हम कहते हैं एबीसीडी कुछ समझ में नहीं आया, तो हम इस पे सेंटेंस बनाएंगे, गणित मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, नहीं आता। हम इसको इंग्लिश में करेंगे, द मैथ्स सब्जेक्ट, मैथ्स इज एन अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा फॉर मी, एंड ओमेगा फॉर मी। दूसरा अगर हम कहें कि जो कुछ उसने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसको हम इसी तरह से चाहे अल्फा एंड ओमेगा कहें अथवा हम इसको नाइदर हेड नॉट टेल, आई कुड नॉट गेट आइदर टेल और हेड ऑफ What he said, of what he said, मैंने यहां पे neither की जगह either का प्रयोग कर दिया क्योंकि हमने not यहां ले लिया। अगर आप इसको not को हटाना चाहते हैं तो I could get neither फिर यहां लगा सकते थे, क्योंकि हमने not यहां लगा दिया है इसलिए either का प्रयोग करेंगे। अगर यहां not हटा देंगे तो यहां neither लग जाएगा, बस इतना डिफरेंस है सेंटेंस में। I could not get either हेड और टेल, आइदर हेड और टेल, आइदर हेड सॉरी आइदर हेड और टेल ऑफ व्हाट ही सेड, जो कुछ भी उसने कहा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, आई कुड नॉट गेट आइदर हेड और टेल ऑफ व्हाट ही सेड, या इसको भी दूसरे तरीके से कह सकते हैं, आई कुड गेट नाइदर हेड नॉर टेल व्हाट ही सेड, जो कुछ भी उसने कहा, व्हाट ही सेड। तो नॉट लगाने के बाद नाइदर नहीं आएगा, और अगर नॉट नहीं है तो हम आइदर का नाइदर का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोले, वो अपने ज्ञान की शेखी बघारता है, वह अपने ज्ञान की शेखी बघारता है, इसको कहते हैं बोस्ट, बोस्ट ऑफ, बोस्ट के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ही ऑलवेज, जैसे हम कहते भी लिख सकते हैं, ही बोस्ट, बोस्ट ऑफ हिज रिचनेस, अपने धनवानपन पर या संपन्नता पर, ही बोस्ट ऑफ हिज रिचनेस, इसको एक तरह से और भी कह सकते हैं कि वो हमेशा अपने को
बहुत ही घमंडी मानता है। एक सज्जन जिसका वो हमेशा अपने को घमंडी दर्शाता है। इसका इंग्लिश में करेंगे, ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स माने हवा, अर्थात ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स या ही गिव्स एयर्स हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ। मेरी उससे बोलचाल नहीं है। अगला फ्रेज एक सेंटेंस का, जैसे मैंने किसी से हमारी बातचीत नहीं है तो हम उसको कहते हैं कि मेरी उससे बोलचाल नहीं है, मेरी पड़ोसी की मेरे से बोलचाल नहीं है। तो इसको इस वक्त कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। और भी जैसे हम कहें मेरी पड़ोसी से बोलचाल नहीं है, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद माई नेबर। लोग उसे विद्वान व्यक्ति मानते हैं, कोई विद्वान है और लोग उसको मानते भी हैं, तो हम कहेंगे पीपल रिगार्ड, मानना की इंग्लिश होती है रिगार्ड, पीपल रिगार्ड हिम टू बी एन विद्वान व्यक्ति, ए टू बी ए स्कॉलर या ए लर्नेड मैन विद्वान व्यक्ति, पीपल रिगार्ड हिम टू बी ए स्कॉलर और ए लर्नेड मैन। दूसरा, मैं उसे मूर्ख व्यक्ति मानता हूं। देखिए मानना यहां भी है और मानता यहां भी हूं, लेकिन यहां रिगार्ड शब्द का प्रयोग हुआ है और यहां निगेटिव है, इसलिए यहां पे हम डीम शब्द का प्रयोग करेंगे, जो चीज मान ली जाती है वास्तव में है नहीं, बल्कि वो मूर्ख नहीं भी हो सकता, लेकिन मेरा मानना है अगर, तो वहां पर हम डीम का प्रयोग करते हैं, रिगार्ड का प्रयोग नहीं करता। रिगार्ड माने होता सम्मान देना, किसी को आदर के साथ उसका सम्मान देना, इसलिए यहां विद्वानों को तो रिगार्ड किया जाता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को मान के चला जाता है, वो मूर्ख व्यक्ति है। आई डीम हिम टू बी ए फुलिश। आई डीम हिम टू बी ए फुलिश। आज तुम कुछ अस्वस्थ दिखाई देते हो, कोई भी, अच्छा यहां डीम के लिए और भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि दिस कॉलेज इज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी, मतलब इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, एक बड़ा कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, तो हम उसको कहेंगे दिस कॉलेज इज डीम्ड यूनिवर्सिटी, अर्थात इसको मान, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, इसको माना जाता है यूनिवर्सिटी के रूप में। आज तुम कुछ स्वस्थ अस्वस्थ दिखाई देते हो, यू लुक समवाट इनडिस्पोज्ड, अस्वस्थ के लिए आता है इनडिस्पोज्ड टुडे। अब इसको हम दिखाई दे रहे हो भी कह सकते हैं, आज कुछ तुम अस्वस्थ दिखाई दे रहे हो या दिखाई देते हो, लेकिन यहां दिखाई दे रहे हो कि अर्थ में भी लुकिंग नहीं आएगा, यू आर लुकिंग नहीं कहा जाता है, बल्कि यू लुक, लुक के साथ कभी भी कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। यू लुक समवाट इनडिस्पोज्ड टुडे, और इस बात को दिल से निकाल देना, अगर किसी कोई कटुता है तो इस बात को दिल से निकाल देने को क्या कहा जाता है, गेट दिस ऑफ द चेस्ट। अब इसका जैसे उसके साथ के कड़वाहट को दिल से निकाल दो, कड़वाहट को दिल से
निकाल दो। तो हम क्या प्रयोग करेंगे, कैसे कहेंगे इसको कि गेट द कड़वाहट बिटरनेस, गेट द बिटरनेस, गेट द बिटरनेस विद हिम उसके साथ ऑफ ओ डबल एफ ऑफ योर चेस्ट। तो अगर कोई बात दिल से ऑफ योर चेस्ट निकालने की बात, अर्थात किसी भी नेगेटिव चीज को निकालने की बात, दिल से निकालने की बात की जाती है, तो उसके लिए हम गेट इट ऑफ द चेस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर कोई नेगेटिव वर्ड है तो जहां पर इट है वहां पर उस नेगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे, जैसे बिटरनेस, जिस चीज को हमें निकालनी है, गेट उसके बाद बिटरनेस विद हिम ऑफ योर चेस्ट। तो दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस which are to be daily used in our conversation. So this video will be very much useful for you all. Thank you very much. Subscribe karna nahi bhule aur share bhi, nishchit roop se is hamari video ko share bhi kare aur apne comments zarur hame apne likh kar ke bheje. Thank you.